This is my friend and I meet him at last moment. So जो 650 कहा था बराबर 1 मिनट भी प्लस माइनस नहीं हुआ और वो निकल पड़ी Tyumen के लिए। ये मैं अभी जिस स्टेशन पे खड़ा हूँ येकातेरिनबर्ग, ये दुनिया का कोल्डेस्ट सिटी है। +3 में जा रहे हैं, इतनी सारी अड़चने हैं। जो मैं हल्दीराम से लाया हूँ ये मेरे को भी नहीं पता कैसे गर्म होता है। गर्म पानी फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। ये रहा गर्म पानी का सिस्टम। शायद मैं जितना समझ पा रहा, मेरा जो ये है टिकट शायद 118 नंबर वो ट्रेन है, 5 नंबर का डब्बा है। और मेरा जो सीट है वो है 001 करके है। इसमें यहाँ का सिस्टम ये है कि कोई कंडक्टर आके आपका जो पूरा आपसे वो डॉक्यूमेंट सारा देख के सारा छानबीन करके ही डब्बे में छोड़ते हैं। वैसे कोई बाहर वाला आदमी जा नहीं सकता। जितना मैं देख पा रहा हूँ, ये जो रेल लगी थी यहाँ आने पे भी, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ आने पे भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस थी। ये लड़की जिस टाइप से छोड़ रही है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन करके ही अंदर जाने को दे रही है। पूरा टिकट आपका जो आईडी सारा यूज़ कर रही है। ये जो कंबल मिला है सोने के लिए, ये रशियन रेलवे में ही मिलता है, कन्वेंट किया है। मेरे सामने वाली जो लेडी थी वो बताए ये तुम्हारा है करके, वो मेरे को देखती रही और मैं कुछ थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा लैपटॉप बैग सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं अभी हैंड ग्लोव निकाल के ट्रेन में बैठा हूँ। मेरे को भी बहुत चक्कर रह गया एक्चुअल में। इस डिब्बे में मैं जहाँ बैठा हूँ नंबर 1 खिड़की पे, वहाँ कोई भी टॉयलेट नहीं है, सिर्फ गर्म पानी पीने की सुविधा है। ये रहा उनका टॉयलेट, इस टाइप से है टॉयलेट। और मैं जो मेरी जगह से पहुँचा हूँ, इस टाइप से पहुँचा हूँ मैं मेरी जगह से, और देख ही सकते हैं ये मेरी जगह है। कंबल बिंबल दे दिया मेरे को, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। 650 कहा था बराबर 1 मिनट भी प्लस माइनस नहीं हुआ और वो निकल पड़ी है Tyumen के लिए। कितनी अच्छी लाइट है। Поехали на проверку. Он на проверку билет. Я поняла. उनका जो सिस्टम है वो अलग ही है। मेरे पासपोर्ट लेके कुछ देख रही है, कर रही, पता नहीं। Это копия, например. А у меня нету красной. Я работаю. Вот так. У вас черная. У меня простой. У вас, наверное, загран? Зачем? Нет. Тоже простой. Просто у вас, видимо, с красных чернилами, потому что не было. Наверное. Поставили черт. Ну и... जो मैं हल्दी राम से लाया हूँ, ये मेरे को भी नहीं पता है कैसे गर्म होता है। कढ़ाई पकौड़ा with plain rice, try for other combos. I don't know how it is minute खाना कैसे पकाएंगे। इसमें तो बताया है कि गर्म पानी में छोड़ना। ये कट पाउच empty content into microwave dish, heat on high setting for 1 minute and hot shot, serve hot. यानी गर्म पानी में एक तो 3 मिनट रखना है या माइक्रोवन में 1 मिनट की रखना। रेडी टू ईट का पैकेट है, ये लेके आया था। ये मैडम ने मेरे को बोला था कि ये जो ये वाला ओवन है, इसमें मैंने 2-3 मिनट रख के मेरा खाना पूरा सर्व किया है। एक्चुअल में इसके ऊपर का जो पैकेट था, इनका जो बम्ब है, उसमें उसने डालने को कहा था, पता नहीं है। ये मैं सारा खाना निपटा के आता हूँ, फिर मैडम से बात करूँगा। गरम हो चुका है मेरा दाल चावल है और मैं गरम गरम खाना खा रहा हूँ। और जो रेलवे का सिस्टम है, यहाँ सारा दिखने वाला जो भी जितना भी आइटम है, उसका अगर आपको रुपी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस पे सारी प्राइजेस लिखी हुई है उन्होंने। गर्म पानी फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। ये रहा गर्म पानी का सिस्टम। तो सिर्फ को हिलाना है और मेरी बन जाएगी गुड मॉर्निंग टी, क्योंकि ये मैं सारा घर से लेके आया था और मेरे पास अभी इसको हिलाने के लिए कुछ चम्मच नहीं है, इसलिए मैं मेरी जुगाड़ से मेरी चाय बना रहा हूँ। थोड़ा ही देर में मेरी चाय रंग लाएगी, सुबह की चाय। मेरे को भी अभी डर लगने लगा है, मैं तो हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने वाला। ऐसा लगता है मेरे को सारे क्यों जाना चाहता था। ट्यूमेन जाने का ट्रेजेडी ये है कि मेरे को देखना था ट्रांस साइबेरियन जर्नी एक बार, लेकिन अभी मंगोलिया और चाइना बंद हो चुका है। और जो मेरा दोस्त था हैमर करके, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मिला था, इससे मिलने के लिए मैं जाने वाला था। उससे मेरी बातचीत तो पिछले 3-4 साल से चल रही थी। उसने सीधा मेरे को एक रेलवे टिकट ही भेज दिया जब मैंने उसको कहा कि मैं 20 तारीख को आने वाला हूँ, इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। एक्चुअली ये इतना डरावना माहौल है कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते हो। इस टाइप से पहाड़ी इलाका होता है और छोटे छोटे गाँव और जो भी है, हम तो यहाँ कभी भी सर्वाइव नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बाहर निकलते ही 1 या 2 मिनट के बाद जो मेरा बदन है टूटने लगता है। ऐसा लगता है कि आ जाए। इस टाइम से बाहर ठंडी है और मेरा अभी तक मेरा सफर कुछ तो 12 घंटे से ऊपर हो चुका है, क्योंकि मैं कल 7 बजे में उसको से निकला था। अभी बजा है यहाँ का बजा है 9, यानी कि 12 घंटे से ऊपर हुआ और 12 घंटा मेरे को यहाँ रेलवे रहना। अंदर का जो आपको अगर ब्रेकफास्ट भी करना है तो ये थोड़ा महंगा है, आप देख ही सकते हैं, उन्होंने बेचने को रखा है। और जो ट्रेन जा रही है उसका जो टाइम टेबल यहाँ रखा गया है। और ये जो कंडक्टर लड़की है, ये यहाँ रहती है, अभी वो इसके कैबिन में है। अभी एक्चुअल में वो सारा काम, जैसे डब्बे के अंदर आने वाले पैसेंजर्स, टिकट चेक करना, अंदर की सफाई, या किसी को खाना देना या कुछ बेचना, ये सारा ऑल इन वन काम एक ही कंडक्टर लड़की कर रही है। ये मेरे को बहुत अजीब लगा क्योंकि वो सारा झाड़ देती है, फिर टिकट चेक करती है, अगर कोई आपको हेल्प लगती है तो वो करती है, वो बाथरूम तक सभी को नहीं कर पाता, उसका जिम्मेदारी है पूरा। ये है अंदर पल्लू। एक मिनट रुकने वाली है इसलिए मेरे से उतरने को नहीं कह रही है। वो जाओ और मैं मेरी वीडियो भी ये कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। जो पीछे आप देख सकते हैं वो है कंडक्टर की बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही है। अभी हमारी रेलवे 12:18 को 1 मिनट के लिए रुकी थी, 19 को निकली है, लेकिन आगे जाके +3 होगा तो 12:09 बजेंगे, फिर 15 मिनट रुकेंगे, यानी मेरा जो अभी मोबाइल टाइम चल रहा है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा इस सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ तक हम +1 में थे, +3 में थे, अभी +3 में जा रहे हैं। तो इतनी सारी अड़चने हैं क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा देश है। मैंने निकाला है एक्चुअली है ब्रेकफास्ट, लेकिन जिस तरीके से मेरा लाइफस्टाइल चल रहा है इस तरीके से मैं उपमा खाऊंगा लंच में। इसको फोड़ा जाता है, इसके बाद ये अंदर से ये वाला पाउच निकलेगा, पाउच निकले, ये निकलेगा और ये भी निकलेगा खाने के लिए चम्मच जो मैंने लाया था। ये दोनों में संभाल के रखूँगा। इसमें आपको 200 ml वाटर लेना है गरम, जो फ्री में लेना है। ये चेक करते रहती हो। रात भर अगर मेरे को नींद लग गई तो हो जाएगा गड़बड़ी, इसलिए ये भाई साहब भी शायद तुम्हें निकले जा रहे, उनको मैंने बोला जो भी कुछ बोलना था, क्योंकि 2-4 घंटे पहले ही बोला जाता है तो सारा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो आइडिया नहीं है कब उतरना है कैसे उतरना। जो कंडक्टर लेडी है बार बार बड़े बड़े इसमें ये कर रही है, आवाज़ में बात कर रही है। इन सर ने ये मेरे को दिया है, मैं देखता हूँ चक के ऐसा डायरेक्ट पूरा यहाँ रेल एक 10-15 मिनट के लिए रुकी है, 2 मिनट से ज़्यादा यहाँ कोई स्टॉप भी नहीं होता है। तो मेरे आईफोन से थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आधा घंटे का हॉल्ट है, आधा घंटे के लिए लोग जो बाहर आके स्मोक कर रहे हैं बहुत सारे। यहाँ कुछ ऐसा ही है कि आप जैसे बाहर गिरते हैं फिर एक आधा घंटे में निकल जाते हैं। 10-15 मिनट का भी बहुत है यहाँ बाहर रुकना, क्योंकि मैं स्लीपर के साथ आया था। वो कंडक्टर लेडी है, उसको कुछ कह रही थी ज़ोर से कि वो स्लीपर मत पहनो यहाँ, और मैं अंदर गया और अंदर जाने के बाद डायरेक्ट बूट निकाल के मैं आया। आई जस्ट प्ले। ये जो अम्मा लेटी है उसने मेरे को चाय का एक सिप पिलवा दिया, मेरा तो रख दिया साकर के साथ वाला। मैं उनका पी रहा हूँ रशियन टी। ये बहुत ही गाढ़ा है, खतरनाक वाला गाढ़ा है रशियन टी। आधा घंटे का ले और इसको एक भिखारी कोई तो मांग रहा था, लेकिन उसने दिया नहीं और बाहर से लॉक कर दिया है। अभी ये मैं अभी जिस स्टेशन पे खड़ा हूँ येकातेरिनबर्ग, ये दुनिया का कोल्डेस्ट सिटी है। यहाँ 12 महीने के लिए इतना कोल्ड रहता है कि आप जान भी नहीं पाएंगे, इतना खतरनाक वाला ठंडा है। ये आ गया हमारा लास्ट स्टेशन जहाँ मेरे को जाना था। उस स्टेशन का नाम है तुईमिन। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ठंडी इतनी ज़बरदस्त है। उसने बोला था कि स्टेशन पे जाना है। ओके, दिस इज़ माई फ्रेंड एंड आई मीट हिम at last moment. जिसको मिलने के लिए मैं यहाँ आया था। यहाँ तक का जो आपने मॉस्को से लेके व्लॉग आपने देखा, इसके बाद भी आप व्लॉग देखेंगे। और ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।